नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है और सजा शुक्रवार को यानी कि आज सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है और फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीसी के जरिए पेश किया गया। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में हुई हत्या और हत्या की कोशिश को आधार मानकर मुख्तार पर केस दर्ज किया गया। करीब 14 साल पहले कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से अभिषेक सिंह जी, जो हमें इसकी अपडेट और अच्छे से देंगे। तो अभिषेक जी, जी हाँ बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। और 2009 और 10 में जिस तरह उनकी घटनाएं, उनकी जो कारगुजारी थी वो चरम पर थी, और जिसका भुगत जो जो उनका भुगतान है वो अब करना पड़ रहा है उनको न्यायालय के जरिए। और यही कहा जाता है कि न्याय मिलने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन न्याय दुरुस्त तरीके से जरूर मिलता है। मुख्तार अंसारी पर इससे पहले भी कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और करंडा थाने में ये जो पूरा मामला था ये एक पूर्व टीचर की हत्या, कपिल देव सिंह की हत्या, और एक मामले में 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था। इन दोनों मामलों के चलते मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इस हालात में दर्ज किया था जब किसी भी मामले में किसी अपराधी पर एक से ज्यादा हीनियस क्राइम के मुकदमे होते हैं, जो हत्या या हत्या के प्रयास है, 302 और 307 से जुड़े हुए मामले होते हैं। इस लिहाज से उस वक्त मायावती सरकार के दौरान इस पूरे मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, और उसी दौरान जो पुलिस थी उसकी तरफ से जितने भी जिलों में कप्तान थे उनकी तरफ से इस तरह के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती थी। लिहाजा मुख्तार अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत मुख्तार अंसारी पर ये मुकदमा चलता रहा। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो मूल मुकदमा था यानी जो मुख्य मुकदमा था यानी कपिल देव सिंह की हत्या और एक मामले में हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी गवाहों और सबूत के ना होने के चलते यानी अभाव में बरी हो गए, लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा ज्यों का त्यों रहा और उसी मामले में कल उन्हें दोषी पाया गया है और आज इस पूरे मामले में उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, एक मामले में उनको और उनके भाई को सजा सुनाई जा चुकी है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि एक के बाद एक परत दर परत मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए मामलों में जिस तरह कोर्ट दिलचस्पी लेकर कार्रवाई कर रही है और सबूत और गवाह भी अब खुलकर निकल कर सामने आ रहे हैं। जो मुख्तार अंसारी का जब रसूख और दबदबा था तब शायद कहीं डर कर छुप जाते थे, कई बार सामने नहीं आते थे, कई बार बेटे ने पिता की हत्या के मामले में गवाही देने से इनकार कर दिया, इस तरह की घटनाएं सामने आई। लेकिन अब योगी सरकार के वजूद में आने के बाद पिछले 6 सालों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, साथ ही साथ जमीन कब्जा, बलवे के मुकदमे बड़ी तादाद में दर्ज किए गए हैं। गाजीपुर में ही लोगों ने एक एक साल बाद मुकदमा दर्ज किया जो मुख्तार अंसारी के खौफ के सामने घुटने टेक चुके थे, और अब इस तरह के मामलों में मुख्तार अंसारी को एक के बाद एक कोर्ट के सामने पेश होना पड़ रहा है और सबूत सामने आ रहे हैं, गवाह निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनकी पीड़ा थी वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो अक्सर अपने मुकदमे वापस ले लिया करते थे, और अब एक के बाद एक उनको अलग अलग मामलों में सजा सुनाई जा रही है। लिहाजा मुख्तार अंसारी की मुश्किलें ना सिर्फ बढ़ती जा रही हैं बल्कि एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, और उम्मीद ये की जा रही है जिस 3 मुकदमे हमने देखे लगातार, एक गैंगस्टर के मामले में उनके भाई के साथ, एक गैंगस्टर के मामले में हत्या के प्रयास में गैंगस्टर लगा था, और अब इस मामले में जब उनको दोषी करार दिया गया है तो अधिक से अधिक सजा 10 साल और उम्र कैद होती है और कम से कम सजा 2 साल से ज्यादा की होती है। लिहाजा इस तरह के मामलों में जिस तरह उनको सजा सुनाई जा रही है ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह सजाओं का दौर चल रहा है उम्र उम्र कम पड़ जाएगी मुख्तार अंसारी की सजाओं के सामने। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी को कोर्ट से एक और झटका मिला है। उनकी जो सजा है अब वो 14 साल पुराना जो मामला है उसमें उनको दोषी करार कर दिया गया है। मुख्तार माफिया मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है और सुनवाई के दौरान
मुख्तार अंसारी को वर्चुअल पेशी उनकी की गई थी और MP MLA कोर्ट में चल रहा है ये मामला। करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के कपिल देव सिंह हत्याकांड केस से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 2009 में करंडा थाना के मुख्तार के साथ दूसरों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज किए गए थे और इनमें कपिल देव हत्याकांड और मीर हसन की हत्या के मामले को गैंग चार्ज में शामिल किया गया था। तो सर 14 साल पहले का ये मुकदमा है जो कि अब दोबारा से, मतलब दोबारा से नहीं, ये चल ही रहा था, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए ये एक तरह से झटका है क्योंकि पहले ही उनके ऊपर काफी केसेस चल रहे थे। इसके बाद एक और केस आ गया जिसमें इनको मतलब एक बता दिया गया कि ये गैंगस्टर ही है और इनके जो इनका जो सजा थी उनको सजा सुना भी दी गई। तो सर इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मुख्तार अंसारी का जिस तरह का तरीका रहा काम करने का, या फिर विधायक बनने के बाद भी इस तरह रसूख रहा, उनको जो चीज पसंद आते थे उस पर कब्जा हो जाता था। वो खुद नहीं करते थे तो उनके गुर्गे पहुंच जाते थे, उनके लोग पहुंच जाते थे। गाजीपुर ही नहीं, आसपास के इलाकों में बनारस तक उनका दबदबा था। और शायद यही वजह थी कि 90 के दशक में जब वो अपने उरूज पर थे तब हत्या और इस तरह के हत्या के प्रयास के कई सारे मामले, खासतौर पर यह मामला बढ़ता तब नजर आया जब रेलवे के ठेकेदारी में उन्होंने अपना हाथ डाला और नॉर्दर्न रेलवे के टेंडर जो गोरखपुर से उठा करते थे उसमें उन्होंने बनारस से हस्तक्षेप करना शुरू किया। धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती चली गई और मुख्तार अंसारी धीरे धीरे माफिया, एक बदमाश से माफिया डॉन और फिर विधायक तक पहुंच गए। और यही वजह थी कि उस दौरान जब उन्हें कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था तो उन्होंने किसी भी सीमा की परवाह नहीं करी, किसी भी दरवाजे की परवाह नहीं करी। और यही वजह थी जो सारी सीमाएं लांग गए और एक के बाद ये जो मुकदमों की फहरिस्त है ये भी तैयार होती नजर आ रही थी। और उस वक्त जब वो सत्ता और शासन के करीब हुआ करते थे, उस वक्त जब उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला था, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर बसपा में जब वो थे तब की बात की जाए, तब उस दौरान उन सरकारों में मुख्तार अंसारी का कोई नाम लेवा कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि कृष्णानंद राय और कई सारे मुकदमों जेल से ही अपना चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे, या विधायकी के चुनाव में नामांकन करना हो या विधायकी चुनाव लड़ना हो जेल से ही बैठ कर लड़ा करते थे। लेकिन हाँ, ये था रसूख उनका वैसे ही चलता था, जेल में बैठ कर उनकी बादशाहत चल रही थी पूरे प्रदेश में। कहीं पर किसी जिले में उनको कोई काम करवाना हो तो भी उनका एक फूल, उनके किसी आदमी का जाना और एक दहलीज पर दस्तक लेना ही काफी था। लेकिन आज योगी सरकार में जहां गुंडों का दमन, बदमाशों को एक के बाद एक एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, वही मुख्तार अंसारी जैसे संगठित अपराध से जुड़े हुए माफिया डॉन्स आज ना सिर्फ जेल की चार दीवारियों के पीछे मौजूद है बल्कि उनके रसूख और सिंडिकेट और क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग भी एक के बाद एक पुलिस की गोलियों का या मुकदमों में सजाओं का शिकार हो रहे हैं। और मुख्तार अंसारी खुद भी आए दिन अपने पुराने मुकदमों में एक के बाद एक सजा उनको पड़ रही है, एक के बाद एक सजा झेल रहा है वो। और कोर्ट के सख्त रवैये का और गवाहों और सबूतों के बिना ना होने के चलते जहां कई सारे मामलों में वो बरी हो गए थे, अब छोटे छोटे मामलों में 307 के मामलों की बात नहीं कर रहा मैं, और भी कई ऐसे मामले जिनमें आजकल गवाही चल रही है, अंडर ट्रायल है मामले, उनमें भी उनको सजा सुनाई जाएगी। और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह सजाएं एक के बाद एक उनको मुकदमों में दी जा रही है, उनकी उम्र कम पड़ जाएगी सजाओं को काटने के लिए। बिल्कुल, तो जैसे कि हम आपको बता दें कि जो फैसले की तिथि है वो इसी सिलसिले में चल रही थी और इसके लिए बांदा जेल में बंद मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरे आरोपी जो है सोनू यादव को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया और इसके साथ ही सजा के लिए जो तारीख तय की गई है वो आज की यानी शुक्रवार की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको आज का लाइव कैसा लगा ये भी जरूर बताएं और मुख्तार अंसारी को सजा मिलना सही है, बेशक सही है, लेकिन आपके इस पे क्या प्रतिक्रिया है, सजा क्या होनी चाहिए, सजा कैसी होनी चाहिए इस पर, और सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ना पसंद करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस लाइव में, अभी आगे की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।